आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में बी बराबर दिया है करणी 3, सी बराबर 1 तथा कोण ए बराबर 30 अंश हो, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है, चार विकल्प है, बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ दोस्तों यदि हम त्रिभुज को इस प्रकार प्रदर्शित करें तो यहाँ हमारे पास ये ए बी सी, ये हमारी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, स्मॉल ए बी सी भुजाएं हैं, तथा यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए बी सी त्रिभुज के क्या है, कोण है। तो यहाँ से यदि हम देखें कुज्जा सूत्र के अनुसार, जानते हैं कुज्जा सूत्र से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं बी वर्ग धन सी वर्ग ऋण ए वर्ग बटे में 2bc। हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं हमें बी ए का मान नहीं पता है, बी का मान करणी 3 इकाई दिया गया है, सी का मान 1 हमारे पास दिया गया है, तथा यहाँ से कोण ए जो है 30 अंश दिया गया है। तो यहाँ से सभी मानों को रख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 30 अंश बराबर, यहाँ से बी का मान क्या है, करणी 3 है, तो करणी 3 का वर्ग धन सी का मान हमारे पास 1 है, 1 का वर्ग ऋण ए का वर्ग बटे में 2bc। तो यहाँ से करणी 3 और गुणित 1 हमारे पास, यहाँ से देख सकते हैं कॉस 30 अंश का मान क्या आ जाएगा, करणी 3 बटे 2, और यहाँ से करणी 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3 धन 1 ऋण ए का वर्ग बटे में 2 करणी 3 हमारे पास। यहाँ से हम देख सकते हैं हर से 2 से 2 हमारे पास कट जाएगा, करणी 3 भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणे में आ जाएगा, तो करणी 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर 3 और 1 4 ऋण ए का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का वर्ग को पक्षांतर करें तो धनात्मक ए का वर्ग आ जाएगा, तथा 4 ऋण करणी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वर्ग मूल लेंगे तो ए का मान 1 आ जाएगा, 1 इकाई। हम धनात्मक 1 इसलिए लेंगे चूंकि ए क्या है, भुजा का मान है, तो यहाँ से 1 हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, चूंकि हमारे पास जो भुजा ए है वह बराबर है किसके, भुजा सी के, चूंकि दोनों का मान हमारे पास 1 इकाई के बराबर आ गया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि ए बराबर सी बराबर 1 है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके जो सम्मुख कोण है, ए का सम्मुख कोण ए है कैपिटल ए, व सी का सम्मुख कोण हमारे पास कैपिटल सी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी, आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, जैसे हम त्रिभुज के नियम के अनुसार जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख भुजा के जो कोण हैं वह समान होते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोण ए का मान हमें ज्ञात है जो कि 30 अंश है, तो यहाँ से हो गया 30 अंश बराबर कोण सी हमारे पास, तो यहाँ से कोण सी का मान हो गया हमारे पास 30 अंश, जो कि यहाँ हम दर्शा लेते हैं, ये हो गया 30 अंश। अब दोस्तों जैसा कि हम त्रिभुज के नियम के अनुसार जानते हैं, चूंकि त्रिभुज के 3 कोण, कोण ए, कोण बी व कोण सी को आपस में जोड़ें तो 180 अंश के बराबर होंगे। कोण ए का मान हमारे पास 30 अंश है, धन कोण बी धन कोण सी का मान हमारे पास 30 अंश है बराबर 180 अंश, तो यहाँ से कोण बी धन 30 और 30 क्या हो जाएगा, 60 अंश बराबर 180 अंश। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 अंश ऋण 60 अंश बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 अंश। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कोण बी का मान हमारे पास 120 अंश आ चुका है, जो कि हमें सबसे बड़ा कोण दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह कोण ए व कोण सी से बड़ा है, तो यहाँ से सबसे बड़ा कोण हमारे पास कोण बी आ चुका है, जिसका मान क्या आ चुका है, 120 अंश। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण हो गया 120 अंश। उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।